नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं पॉपकॉर्न के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है और बहुत ही हेल्दी होती है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। यह हम मार्केट से पॉपकॉर्न लेकर के आए हैं, घर में नहीं बनाए हैं और इसके हिसाब से हमने गुड़ लिया है। ये देखिए, कभी भी आप जैसे लड्डू बनाए या तिल के गुड़ और या पॉपकॉर्न के ना, तो यही वाला गुड़ यूज करिएगा। ये वाला अच्छा रहता है, इससे बहुत अच्छे लड्डू बन करके तैयार होते हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो पहले हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। और अब इसमें डाल देंगे गुड़ और पानी। तो पानी हमने इतना लिया है, इतना ही पानी डालिएगा, ज्यादा पानी नहीं डालते हैं, आधी गिलास से बहुत कम पानी है। और गुड़ को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। गुड़ जो हमने डाला था वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। उस टाइम पे मैंने गैस को मंदी करी थी और अब गैस को तेज कर दिया है चाशनी पकाने के लिए। चाशनी पक चुकी है, अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, लेकिन फिर भी हम एक कटोरी में इसको छुआ करके चेक करेंगे। ये देखिए, हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ये देखिए कैसे एक तार बन रहा है, इसका मतलब चाशनी हमारी पक चुकी है। अब हम इस पॉपकॉर्न को इसी में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डाल करके मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। बचा हुआ पॉपकॉर्न भी इसी में डाल देंगे और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसको लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हाथ में हम पानी लगा देंगे और इसको इस तरीके से हम उठा लेंगे हाथ में और ऐसे दबा देंगे। ये देखिए, सारे लड्डू हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। ये हमारे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पॉपकॉर्न के लड्डू बन करके तैयार हैं। बनाने में बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।